बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग 10,000 BC। ये कहानी है एक कबीले की। इन कबीले वालों को यगालो कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं और ये मनक का शिकार करते हैं। मनक जंगली हाथियों को कहा जाता है, लेकिन अब इन पहाड़ों पर जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं और कभी कभी वो आते भी नहीं है। इसकी वजह से इन कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पूरा कबीला परेशान और चिंतित होता है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं, और बड़ी माँ आत्माओं से बातें कर सकती है। वो पूर्वजों से पूछ सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछा, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। और एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। दरअसल इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी होती है, और ये उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये उन चार पैरों वाले राक्षसों की सूचना देने आई है, जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगी, और ये तब होगा जब हम अंतिम शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तब एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी स्त्री बनेगी, और ये दोनों यगाल लोगों को एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे, जहां पर यगालों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है, यानी नया जीवन। और इसी कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डिले होता है, और डिले एवलेट को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए जीवन से बढ़कर होती है। अब यहीं पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को बहुत चिंता हो जाती है। उनके पास श्वेत भाला होता है। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे, और वो ये तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। और एक रात वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। और वो अपना श्वेत भाला उसे देकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर उनके जाने के बाद उनके बेटे डिले को सब चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए। दरअसल सबको ये लगता है कि उसके पिता भविष्यवाणी सुनकर डर कर यहाँ से भाग गए, लेकिन सच ये नहीं होता। दरअसल सच किसी को कुछ नहीं पता होता कि डिले के पिता यहाँ से क्यों गए। वही जिस तरह से एवलेट इस कबीले में अकेली है, उसी तरह से डिले भी अकेला है, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और कई साल बीत जाते हैं, ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और एक बार फिर इनके इलाके में मनक आते हैं, और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। भविष्यवाणी के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो यहाँ पर चार पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इनको तबाह कर देंगे। मनक के इनके इलाके में आने के बाद ये तय किया जाता है कि जो भी मनक का पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से कर दी जाएगी, और उसे श्वेत भाला भी दिया जाएगा जो कि डिले के पिता का होता है, और उसे इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। एवलेट डिले से बोलती कि चलो हम यहाँ से भाग चलते, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि सबको ये विश्वास होता है कि मनक का शिकार करण ही करेगा। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम करण होता है, और वो बहुत अच्छा शिकारी होता है। लेकिन डिले बोलता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता अपने पिता की तरह। मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। और इसके बाद ये पूरे कबीले वाले मनक यानी कि उन विशाल हाथियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़े मनक को एक जाल में फंसा लेते हैं। लेकिन वो रस्सियां तोड़कर भाग जाता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जाल अटका हुआ होता है, और ये सारे के सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं, और हाथी भाग रहा होता है, लेकिन एक एक करके सभी जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस जाता है, और हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है, और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से डिले हाथी को एक भाला मार देता है, लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता, और वो दोबारा से उस पे आक्रमण करता है। तभी डिले को एक और भाला मिलता है, और गलती से वो भाला दोबारा से हाथी को लग जाता है, और इस तरह से उस विशाल हाथी का यानी कि मनक का अंत हो जाता है। तभी वहां पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया है, और ये देखने के बाद वो सब बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। और इसके बाद वो डिले को श्वेत भाला और उसकी स्त्री यानी कि एवलेट सौंप देते हैं। लेकिन डिले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन वो जानता है कि जाल उसने भी छोड़ दिया था, और उसका जाल में हाथ फंस गया था, इसीलिए वो श्वेत भाला वापस लौटा देता है। और वो एवलेट को बोलता है कि मैंने मनक को नहीं मारा था, बल्कि वो अपने आप मेरे भाले में आ गिरा, और इसीलिए मैंने श्वेत भाले को छोड़ दिया है। श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसी को मिलेगी जो मनक का शिकार करेगा, और अब
जब उसने मनक का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे नहीं मिल सकती, और इसी बात से एवलेट उससे नाराज होकर ये कहकर चली जाती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब परंपराओं से बंधे हुए हैं। अब उसी रात को इनके कबीले पर कुछ लोग जो घोड़े पर बैठकर आते हैं वो हमला करते हैं और इनके कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं, और ये लोग एवलेट को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन डिले, एवलेट और कुछ लोग बच जाते हैं। डिले बोलता है कि मैं अपने लोगों को एवलेट को बचाकर वापस लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। करण बोलता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया। डिले बोलता है कि वो भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे, और वो ये तय करता है कि वो उनका पीछा करेगा। और इसके बाद डिले उनके घोड़ों के, उनके पैरों के निशान का पीछा करना शुरू करता है। डिले के साथ उसके कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सफर है वो बहुत मुश्किल है, और वहां से अपने लोगों को बचा कर लाना, खुद बचकर आना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिले और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाकर वापस लाना चाहते हैं। और कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद ये उन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं जहां से धरती शुरू हो जाती है, और ये वही जगह होती है जहां पर चार पैरों वाले राक्षसों ने एवलेट के पूरे परिवार को मार दिया था। इसके बाद डिले और उसके तीनों साथी यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और इनके कबीले के सभी लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है, और वो इन सबको कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर रात को डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया होता है वो इन सबको दोबारा पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है, और वो लोग डिले के सभी लोगों को आगे के सफर पर ले जाते हैं, और डिले का जो साथी जख्मी होता है डिले उसे खींचता हुआ बीहड़ से आगे की तरफ ले जाता है। और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है और डिले शिकार करने जाता है, लेकिन खुद वो एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस जाता है जहां पर बहुत सारे जानवर फंसे होते हैं, और वहां पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता है जो उस गड्ढे में फंसा होता है। यहाँ के लोग इसे हत्या दंत कहते हैं। ये उस जमाने का बहुत ही खूंखार शेर होता है। और फिर रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है, और वो शेर अब मरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूब कर मरता, डिले उसे छुड़ा देता है। डिले उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुड़ाऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो। और जब डिले उसे छुड़ाता है तो वो उसे ना खाकर वहां से भाग जाता है, और डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है। और उसका साथी उसे बोलता है कि रात को मैंने यहाँ पर चीखों की आवाजें सुनी थी। और ये दोनों उसी तरफ चल देते हैं। वहां जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गांव पर किसी ने हमला किया होता है, और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं, और वो लोग इन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर वही शेर जिसे वहां के लोगों ने रात को छुड़ाया होता है वो आ जाता है, और उसको देखकर वहां पर जितने भी आदिवासी होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और जब वो शेर डिले की ओर बढ़ता है वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, और वो उसे बिना खाए वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाले होते हैं वो इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में, और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। और ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डिले के पिता होते हैं। डिले पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताते हैं कि उन्हें राक्षस आत्माएं अपने साथ ले गई हमारे आदमियों के साथ, और वो उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहां से आज तक कोई भी नहीं लौटा, और अब तुम हमें वहां ले जाओगे। डिले बोलता है कि मैं ही क्यों। वो बताता है कि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो हत्यादंत यानी कि शेर से बातें करेगा, और वो हमारे लोगों को छुड़वाएगा। इसके बाद वो कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को ये सूचना पहुंचा देते हैं कि हत्यादंत से बात करने वाला आ गया है। यहाँ पर डिले को उसके साथ जो टिक-टिक होता है वो ये भी बताता है कि तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वो अपने कबीले की, अपने लोगों की रक्षा के लिए धरती ढूंढने, एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। और अब डिले को पता है कि उसके पिता भागे नहीं थे। वो टिक-टिक से बोलता है कि तुमने ये बात मुझे पहले बताई क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलती तो शायद एक एक करके सभी कबीला छोड़कर
भाग जाते, इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद डिले के साथ यहाँ के और आसपास के बहुत सारे कबीले के लोग देवताओं के पर्वत की ओर बढ़ चलते हैं। पर इससे पहले कि ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने डिले के और इन कबीले वाले लोगों को पकड़ा है, वो नदी तक पहुंच जाते हैं और अपनी नाव से आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। और ये उनका पीछा अब नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास नाव नहीं है, और ये तय करते हैं कि ये पैदल ही आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर एक विशाल रेगिस्तान होता है जिसे आज तक किसी ने भी पार नहीं किया। लेकिन डिले बोलता है कि हम इस रेगिस्तान को पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। और ये सब के सब उस रेगिस्तान की ओर चल पड़ते हैं। और कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये उस रेगिस्तान की दूसरी छोर की ओर पहुंच जाते हैं जहां तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा। और ये वहां से देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे होते हैं, और इसीलिए ये लोगों को गुलाम बनाकर वहां पर ले जाते हैं ताकि ये उनसे वहां पर मजदूरी करवा सके। वहां पर हजारों गुलाम होते हैं और उनसे ज्यादा वो लोग जो उनसे काम करवा रहे होते हैं। और इनका जो लीडर होता है उसे देवता कहा जाता है। और यहाँ पे लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी धरती डूब गई उसके बाद ये वहां से उड़कर आए हैं। और जो इनका सबसे बड़ा राजा होता है वो कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आता, वो पर्दों के पीछे रहता है। बस वो अपने लोगों को आदेश देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड्स जल्द से जल्द तैयार हो सके। यहां पहुंचने के बाद डिले और उस कबीले का सरदार जो डिले का साथ देने आया है, ये दोनों के दोनों अंदर गुलामों के कैंप तक पहुंच जाते हैं। और वहां पर इनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल भी देख नहीं पाता। दरअसल पहले ये देवताओं का आदमी था, लेकिन जब देवता इसे मारने वाले थे तो गुलामों ने इन्हें बचा लिया, और तब से गुलाम इसे अपने पास छुपा कर रखते हैं। वो आदमी डिले को बताता है कि पहले ये तीन देवता थे लेकिन दो मर चुके हैं और अब एक बचा है। डिले पूछता है कि इसे मारने का कोई तरीका तो होगा। वो बताता है कि एक बार उसने सुना था कि देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके शरीर पर आकाश पर दिखने वाली निशानी होगी, और उस निशानी को कहते हैं उरवाना। भविष्यवाणी के मुताबिक वो इंसान यहाँ पर सभी लोगों को, सभी गुलामों को बचाएगा। वो डिले से पूछते हैं क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है, लेकिन डिले इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब डिले और उसका साथी अंदर है लेकिन बाहर उनके बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। डिले को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। और इसके बाद दिले और उसका साथी वहां से निकल जाते हैं, वो बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में टिक टिक मर जाता है। टिक टिक मरने से पहले उसके पिता का श्वेत भाला दिले को दे देता है, और अब दिले अपने पिता का, टिक टिक का और सारे लोगों का बदला लेना चाहता है। वो यहाँ से सब लोगों को छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जब अंदर लोग एवलेट को देखते हैं तो उसके हाथों पर कुछ घाव के निशान होते हैं, और ये घाव के निशान इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से आसमान में ओराइन बेल्ट होती है। ये एक तारों की श्रृंखला है जो बहुत अलग ढंग से बनी होती है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। और उन निशानों को देखने के बाद वहां के लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में आकाश के चिन्ह होंगे वो ही यहाँ पर सब लोगों को आजादी दिलवाएगा, यहाँ से मुक्ति दिलवाएगा। और ये निशान अब एवलेट के हाथ में है, और अब उसे, जिसे यहाँ के लोग देवता कहते हैं, उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। वो बोलता है तो शिकारी आ गया। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि डिले अपने लोगों को बोलता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ हम अपने साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे जो मजदूर हैं। और वो ऐसे ही करते हैं, सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और वो वहां पर जंग का ऐलान कर देते हैं, और वहां पर जो बड़े बड़े मनक यानी कि बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं, और वो हाथी भागना शुरू कर देते हैं जिससे वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर देवता बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ, और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो इसे मार देना, और वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देख कर रुक जाते हैं, और तभी देवता आता है, और देवता के आते सब लोग झुक जाते हैं। दरअसल ऐसा ही होता है, जब भी देवता बाहर आता था सबके सब जमीन पर झुक जाते थे। अब देवता का आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वो इसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। दरअसल वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी इंसान के शरीर में आकाश के चिन्ह होंगे वो इस साम्राज्य का खात्मा करेगा, और ये सारे चिन्ह एवलेट के शरीर में होते हैं भले वो चोटों के घाव के निशान से बने हो, इसीलिए वो इन्हें जाने के लिए कहते हैं। डिले कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा। देवता कहता है कि वो
हमारे गुलाम है वो देवताओं के हैं और वो यही गुलामी करेंगे, इसीलिए डिले मना कर देता है। और उसके पास जो श्वेत भाला होता है वो दूर से उस श्वेत भाले को उस देवता की तरफ फेंकता है और वो भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिले बोलता है कि देखा, वो देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है और वो मर गया। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध में डिले के लोगों की जीत होती है। लेकिन वो आदमी जो इन सब लोगों को यहाँ पर बंदी बना के लाया होता है वो एवलेट को एक तीर मार देता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और डिले उस आदमी को जिसने एवलेट को तीर मारा होता है उसे मार देता है और अब एवलेट मर चुकी है। डिले ने इस पूरे सफर में एवलेट को, टिकटिक को और करण को खो दिया है। लेकिन बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये तो नहीं थी। बड़ी माँ जो अभी भी दूर पहाड़ों में इन सब को अपनी शक्तियां दे रही होती है, दरअसल वो सब कुछ देख रही होती है क्योंकि वो आत्माओं से भी बातें कर सकती है। और वो अपनी जान देकर एवलेट की जान वापस ले आती है और इस तरह से एवलेट की जान बच जाती है। और अंत में अपनी जगह जाने से पहले जिन आदिवासियों ने इनकी मदद की होती है वो इन्हें कुछ बीज देते हैं और दिले को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन्हें अपनी जगह पर ले जाओ और वो ऐसे ही करते हैं। और जब ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो अब ये खेती करना शुरू कर देते हैं। ये उन बीजों को उगाते हैं जिससे पौधे अंकुरित हो जाते हैं और अब इन्हें कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और जिस तरह से बड़ी माँ ने एक भविष्यवाणी की थी आज वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।